जिस व्यक्ति ने नीले पटका डाला है वो नीले पटका पहनने वाला व्यक्ति आपका अपना व्यक्ति, वो बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति। मैंने आपसे बात पूछी, अगर मेरे पैर छूने से, मुझसे हाथ मिलाने से, मेरे फोटो खिंचवाने से अगर आपकी जिंदगी बदलती है तो मैं सारे काम छोड़ के यही करना स्टार्ट करता हूं, हर जिले में जाके फोटो खिंचवाता हूं। लेकिन ये बताओ कि जब पूरे देश में हमारी माँ बेटी और बहन बेटियों के साथ उनकी किस्मतें लूटती हैं, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तो वो खत्म कैसे करोगे? क्या तुम में इतनी ताकत है भीड़ में जो हजारों की संख्या में यहाँ है कि एक अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर कर दो या उसको सस्पेंड कर दो? है ताकत? तुम में ताकत है एक गरीब व्यक्ति को जिसके घर परिवार को जान जगह उसको नौकरी देने की ताकत है तुम में? एक किसी गरीब आदमी के जीवन के में खुशहाली लाने की ताकत है आप लोगों के अंदर? तो भाई मैं वही समझा रहा हूं, अगर इतना भी नहीं समझ पाए तो रहने दो, ये झूठ का दिखावा बंद करना बंद करो। नीला पटका की वैल्यू समझते हो? ये नीला पटका देख के अधिकारी कर्मचारी समझ जाते हैं कि ये वो लड़ने वाले लोग हैं, ये चुप नहीं बैठेंगे। ये नीला पटका देख के बहन बेटियां समझ जाती है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, इसकी हिम्मत इसकी वो समझते हो अहमियत? ये ऐसे डाल दे नीला पटका। ये नीला पटका समानता का परिचायक है कि जिस व्यक्ति ने नीला पट्टा डाला है वो धोखा नहीं करेगा। जिस व्यक्ति ने रात और चोर भी नीला पट्टा डालने लगे, देखे नहीं तुमने? जिस व्यक्ति ने नीला पट्टा डाला है वो नीला पट्टा पहनने वाला व्यक्ति आपका अपना व्यक्ति, वो बाबा साहब के विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति। मैंने आपसे बात पूछी, अगर मेरे पैर छूने से, मुझसे हाथ मिलाने से, मेरे फोटो खिंचवाने से अगर आपकी जिंदगी बदलती है तो मैं सारे काम छोड़ के यही करना स्टार्ट करता हूं, हर जिले में जाके फोटो खिंचवाता हूं। लेकिन ये बताओ कि जब पूरे देश में हमारी माँ बेटी और बहन बेटियों के साथ उनकी किस्मतें लूटती हैं, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तो वो खत्म कैसे करोगे? क्या तुम में इतनी ताकत है भीड़ में जो हजारों की संख्या में यहां है कि एक अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर कर दो या उसको सस्पेंड कर दो? है ताकत? तुमने ताकत है एक गरीब व्यक्ति को जिसके घर परिवार को जान जगह उसको नौकरी देने की ताकत है तुम्हें? एक किसी गरीब आदमी के जीवन के में खुशहाली लाने की ताकत है आप लोगों के अंदर? तो भाई मैं वही समझा रहा हूं, ये एक बार मेरे साथ मिलके ईमानदार से संघर्ष करके बाबा साहब के सपनों का भारत बनवा दो। मेरा भी मन है कि मैं आपके बीच रहूं, आपके साथ रहूं, वहीं खाऊं पीऊं, आपके बीच बैठूं। लेकिन मैं समझता हूं अगर मैं रुक गया ना, एक तो वो तमाम लोग लगे हुए हैं रोकने में, इतने मुकदमे करते हैं, तमाम षड्यंत्र करते हैं रेलिया रोकने के लिए। देखो कल रात परमिशन दी, उनको पता है सबको अधिकार है मगर हमें अधिकार नहीं, जो संविधान को मानने वाले लोग। मगर मैं इसलिए एक मिनट भी अपनी खराब नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, और अगर तुम्हें सोचते हो कि मुझसे जिम्मेदार व्यक्ति कोई है जो इस जिम्मेदारी को अदा कर लेगा, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आज ही काम छोड़ के आपके बीच में फोटो खिंचवाने के लिए चला जाऊं। एक आदमी बताओ पूरी ईमानदार से भीम आर्मी रजा समाज पार्टी के कार्यकर्ता नेता से अलग जो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहा है, आप बताओ? और अगर आप मुझमें उम्मीद देखते हैं और आपसे विश्वास है कि ये हमारा भाई जो हम में से एक है, ये हमारी इन आंसुओं को पूछ लेगा, हमारे जिंदगी में बदलाव लाएगा, तो बस मुझे कुछ दिन काम करना है। अरे हर घर में अगर चंद्रशेखर ना तैयार कर दिया तो मुझे कहना, मुझे कुछ समय तो थोड़ा था। मैं सुनो ये अमरेंद्र विजय खड़े में दोनों, मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा हाथ सरकार के आगे से झुके, तुम सरकार से मांगो कि नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, मकान दे दो, तनख्वाह दे दो। मैं इन नौजवानों को देने वाला बनाना चाहता हूं कि तुम दो, तुम बना लो किस्मत के फैसले तुम करो। और सुनो इस लड़ाई में जितना दूसरों से लड़ना पड़ रहा है उससे ज्यादा अपने लोगों से लड़ना पड़ रहा है, जो लोग जिन लोगों को ना तो खुद कुछ करना है ना ही समाज की गुलामी को काटना है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके पैरों में पड़ी सारी बेड़िया
और आपको तरक्की के रास्ते पे रोकने वाली जो बेड़ी आपके पैरों में डाली गई है उनको काटने का काम जो है आने वाले समय में हम लोग करेंगे। आप चिंता मत करो, अगर मैंने आपके मुंह से ये ना कहवा आने वाले समय के अंदर हर बहन से ना कहवा कि हाँ हमारे घर में भी चंद्रशेखर है तो मेरा कोई फायदा नहीं। याद रखना मेरी बात को, मुझे आपके साथ जितना जोर कारों में लगा रहे हो ना इतना जोर आज के बाद गांव गांव में जाकर लोगों को समझाने में लगाना, फिर देखना कि तुम लोग इस देश में मालिक बनोगे और अन्याय अत्याचारी मैंने कहा पलायन कर जाएगा इस प्रदेश से आप लोग।